क्या हाल है मेरे दोस्तों, आपका ड्यूड टैप वॉर के एक और एपिसोड में स्वागत है। तो आज के वीडियो में 15,000 लाइक का एम है, तो अभी जाइए और लाइक कर दीजिए क्योंकि हमें उस टारगेट को पूरा करना है। तो गेम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, लेकिन पहले शाउट आउट दे देते हैं। तो आज का पहला शाउट आउट है रीखा अग्रवाल का। आई थिंक योर हिंदुस्तान गेमर। हो मैं हिंदुस्तान गेमर। निसार खान बोलते हैं ऑगी शाउट आउट। माय मास्टर अब्दुल्लाह अब्दुल्ला रहान बोलते हैं गेम पोर्टल 2.0 लव। श्याम सुंदर बोलते हैं शाउट आउट मी। हसीना खान हसन बोलती हैं प्लीज शाउट आउट मी। बबीदा शाह बोलती हैं शाउट आउट मी। असलम तदाई भी बोलते हैं लॉगी लव यू। और लक्ष्मी तीयू बोलते हैं शाउट आउट फॉर पिकाऊ। तो ये हो गया भाई शाउट आउट। तो गेम स्टार्ट हो गया, तो भैया जैक बुला लेते हैं। भैया कहाँ है, आ जाइए। ओए आगी, तू ये सुबह सुबह डंडा लेके कहाँ घूम रहा है? अरे भैया यहाँ से देखो, ये डंडा नहीं बेसबॉल बैट है जिससे मैं इस पुलिस का सर फोड़ने वाला हूँ। ये ले ये ले। अरे मुन्ना तू ये कर क्या रहा है मुझे बताएगा तू? आज तू सुबह सुबह लोगों के पीछे पड़ा क्यों है? तेरी क्या दुश्मनी है उन लोगों से? अरे भैया डॉलर के साइड देखो, हमारे 3,000 डॉलर पूरे होने वाले हैं। जैसे ही हमारे 3,000 डॉलर पूरे होंगे, हमको जाना है और किरिल से बात करनी है जो कि ऑलमोस्ट पूरे हो गए। ये देखिए पूरे हो गए मेरे 3,000 डॉलर। अब मुझे पुलिस के स्टार खत्म करने होंगे। ये ले। पर फिर हमें जाना होगा किरिल के पास क्योंकि उसे 3,000 डॉलर की जरूरत है। फिर जो भी किरिल बताएगा हमें वो पूरा करना होगा। ले मुन्ना, तेरे 3,000 डॉलर भी पूरे हो गए और पुलिस वाले को भी तूने मार दिया। वाओ मुन्ना, स्पोर्ट्स बाइक, मजा आएगा इसे चलाने में। हाँ भैया, हम इसी स्पोर्ट्स बाइक में जाएंगे किरिल के घर। तो पहले मैप में सेट कर लेते हैं उसकी लोकेशन। तो ये रहा किरिल का घर। ये कलरफुल घर है, इसी में किरिल रहता है। तो चलिए अब इस एरो का पीछा करते हैं। अरे मुन्ना मुझे एक बात बता, किरिल और रिची ने मिलकर बैंक लूटा था जिसका पूरा पैसा किरिल के पास में है, तो उसे और 3,000 डॉलर की क्या जरूरत है? अरे भैया किरिल बहुत लालची है, उसके झांसे में हमें नहीं आना है। पता नहीं क्यों उसे इतना पैसा होने के बाद भी और पैसा चाहिए। पर हमें क्या, वो तो ऋषि को बचाने में हमारी मदद कर रहा है। बढ़िया भैया हम टाइम से पहुंचा है, तो चलिए बात करते हैं किरण से। अरे मुन्ना इनको कोई काम नहीं है क्या? दिन और रात केवल डांस करते रहते हैं। वैसे इनके डांस मूव काफी अच्छे होते हैं। अब ये क्या काम बता दिया इसने हमें? भैया इसने पैसे हमसे ले लिए और हमें बैटरी लाने को कहा है। हमने इसे पिछले बार हैकिंग डिवाइस ला कर दी थी, उसमें ये सुपर बैटरी लगेगी। तो हमें इस लोकेशन में जाना है, यहाँ पर हमें बैटरी मिलेगी। ये बैटरी उस हैकिंग डिवाइस में लगेगी जिस हैकिंग डिवाइस से रिची के जेल का दरवाजा खुल जाएगा, फिर रिची वहाँ से भाग सकेगा। अच्छा मुन्ना तुझे उस स्टोर का पता तो मालूम है ना? अरे ये क्या, तूने इतनी लंबी जंप मार दी मुन्ना, बाप रे। मैं तो डर ही गया था तू कभी हमें मरवा ना दे। हाँ भैया ये सुपर बाइक काफी फास्ट थी। तो देखिए हमको यहाँ आना है, यही है वो स्टोर जहाँ से हमको बैटरी लेनी है। अरे वाह मुन्ना, बस बैटरी मिलते ही वो उसे हैकिंग डिवाइस में लगा देगा, उसके बाद हमारा रिची छूट जाएगा। बढ़िया मुन्ना, मजा आएगा। तो देखिए भैया ये रही बैटरी, इसको हमको लेना है। अरे क्या ये तो शॉपिंग कार्ट चलाने लगा। पर मुझे अभी शॉपिंग कार्ट की जरूरत नहीं है, मुझे पहले बैटरी लेनी है। अरे मुन्ना इसकी बैटरी की साइज इतनी बड़ी क्यों है? इतनी बैटरी बड़ी बैटरी होती है क्या? ये ड्यूड टैप वॉर है भैया, इसमें कुछ भी पॉसिबल है। और इसकी नाम वैसे भी
सुपर बैटरी ऐसे ही नहीं है, सुपर साइज के कारण भी है। ओए मुन्ना ये क्या है, तू तो शॉपिंग कार्ट चला रहा है और ये तो ऐसे चल रही है जैसे इसमें इंजन लगा है, और इसमें तो गाड़ी के जैसे आवाज भी है, हॉर्न भी बजता है और साथ में ऊपर स्पीडोमीटर भी है। वाकई मुन्ना ये तो काफी फनी गेम है, इसमें तो हम कुछ भी चला सकते हैं। हाँ भैया, इसके पहले आपको अगर याद होगा तो हमने स्केटबोर्ड भी चलाया हुआ है। हाँ मुन्ना मुझे याद है, हम स्केटबोर्ड पे गए थे। बट मुन्ना एक बात याद रखना, अभी रात हो गई है, वो विच यहीं कहीं घूमती होगी, उससे बच के रहना बस। क्या भैया आप फौजी होकर एक छोटी सी विच से डरते हैं? ओए मुन्ना मेरी तौहीन मत कर, मैं फौज में था, एक फौजी हूँ, मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन क्या है ना मुन्ना, वो रात में ऐसे चिल्लाती है, मुझे डर लग जाता है। कोई नहीं भैया, मैं हूँ आपके साथ में। बस जल्दी से हम किरल के घर पहुँचते हैं और उसे ये बैटरी दे देते हैं, फिर देखिए वो जल्दी से ऋषि को छुड़ा लेगा। वाओ देखिए उसने बैटरी लगा ली। अरे ये क्या कर दिया किरल ने, उसने तो हे गैंग को कॉल कर दिया, अब वो आ रहे हैं, अब उन्हें मारना होगा हमें। मैंने कहा था ना मुन्ना ये मुझे सीधा आदमी नहीं लगता, बहुत खतरनाक है, हमें फंसाना चाहता है। जो काम इतना आसानी से हो सकता है उसके लिए हमें पूरे गैंग को मरवाने के लिए भेज रहा है। खुद तो दिन रात नाचता रहता है, लेकिन जब गैंग को मारने की बात है तो हमको भेज दिया। क्या खुद और उसके नाचते हुए साथियों को नहीं भेज सकता था? अरे भैया मिशन है तो मिशन है, इसको तो पूरा करना ही है। पर मुन्ना जान ना पहचान, हम पूरे गैंग से कैसे लड़ेंगे? और एक दो हो तो बात समझ में आती है, पांच छह लोग होंगे तो हम कैसे लड़ेंगे उनसे अकेले? मेरे पास एक प्लान है भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं पहले उनके ऊपर डांसिंग बम का यूज करूंगा, जैसे ही वो डांस करना चालू करेंगे फिर हम उसे मारना चालू करेंगे। अरे मुन्ना देख के बहुत सारे हैं, अरे मारना चालू करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। डरिए मत भैया, मेरा फुल प्रूफ प्लान है, देखिए मैंने बम छोड़ा और सभी डांस करना चालू कर रहे हैं, अब मैं बड़ा वाला बम फेंकूंगा, उसके बाद सब उड़ जाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए बड़ा ब्लास्ट हुआ और ये भी बड़ा ब्लास्ट हुआ, बोलो और आ रहे हैं, उन्होंने गोली भी चलाना चालू कर दी, काफ़ी लोग तो बम से ही उड़ गए। फिर से डांसिंग बम लगाता हूँ, देखिए फिर से डांस करना चालू है, और एक बार और बम फेंकता हूँ तो उड़ गए, अरे नहीं उड़े। ओए मुन्ना लगता है तेरा काम कर गया, ओह हम मर गए। कोई नहीं भैया हम फिर से उड़ गए, देखिए अभी भी हम पे गोली चल रही है, पता नहीं कौन चला रहा, अच्छा ये चला रहा है, अभी बताता हूँ इसे, लगता है यही लास्ट मेंबर है, तो अभी इसे डंडे से मारता हूँ, मर मर जा मर जा मर जा, यही लास्ट मेंबर लगता है, तो अरे फिर से गोली चलाना चालू कर दिया और भैया हम जीत गए, देखिए। अरे वाह मुन्ना बढ़िया, तूने अकेले ही इन सबको निपटा दिया मुन्ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उस किरल के बच्चे ने तो ऑलमोस्ट हमको फंसा ही दिया था, पर ये अच्छा हुआ कि तू बहादुर है, तुझे किसी से डर नहीं लगता, तूने अकेले ही इन पूरे गैंग वालों को निपटा दिया। अब बता मुन्ना क्या हम अब ऋषि को बचा पाएंगे? वो तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा भैया, हमने वो सब काम किया जो हमको किरल ने कहा था, तो अब तो हो जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो जाकर किरल से बात करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है वो। मैं तो इतने सारे मिशन करके परेशान हो गया हूँ, अभी तक हम ऋषि को नहीं बचा पाए, तो देखते हैं अब किरल क्या बोलता है। क्यों भाई किरल तुमने हमें वहाँ अकेले भेज दिया इतने सारे लोगों को मारने के लिए, और अब बोलते हो कि उसके जेल का नंबर लेके आओ। अरे उसके जेल का नंबर
मुझे तो शायद याद था उसके जेल का नंबर, मैं ही बता देता उसे। अरे नहीं भैया, उसे हमारे फोन में उसकी फोटो चाहिए, उसे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, क्योंकि हैकिंग डिवाइस में उसके जेल का नंबर डालकर वो उसे खोलेगा। अगर गलत नंबर डल गया तो गलत सेल का दरवाजा खुल जाएगा और हमारा ऋषि बाहर नहीं भाग पाएगा। तो हमें एक काम करना है कि उसके जेल का नंबर लाना है। अरे इसका मतलब हमको फिर से जेल जाना पड़ेगा? अरे भाई नहीं, पुलिस हमें पकड़ लेगी। अभी अभी हमने एक पूरे गैंग को मारा है, पुलिस तो हमें पहचान ही लेगी ना। अरे भैया आप इतना डरते क्यों हैं? वहाँ तो कोई पुलिस वाला भी नहीं था और किसी को पता भी नहीं चला हमने खेत में जाकर इतनी मार पिटाई की है। तो यू डोंट वरी भैया, आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। देखिए हम कैसे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ सीधे ऋषि के जेल के सामने जाएंगे, और वहाँ कैमरा निकाल कर उसके सेल की फोटो ले लेंगे। फिर बस और क्या, हमें किरिल को ले जाकर वो नंबर दिखाना होगा, फिर वो अपने हैकिंग डिवाइस में उसे फीड करेगा और फिर फाइनली ऋषि छूट जाएगा। अरे मुन्ना एक बात बता, जब तेरे पास वहाँ बाइक थी तो तू पैदल ही क्यों चल रहा है? क्या कर रहा है तू? भैया पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है, जॉगिंग करनी चाहिए, इससे हेल्थ बना रहता है, थोड़ा हवा भी खानी चाहिए। अच्छा होगी, तू कब से हेल्थ कॉन्शियस हो गया और तू ऐसे पैसे क्यों लुटा रहा है? सॉरी भैया, अरे हाथ में पैसे थे तो मैंने सोचा कि उधर फेंक देता हूँ। तो ये हम पहुँच गए पुलिस स्टेशन, अब जाते हैं ऋषि के सेल में और उसका नंबर ले लेते हैं। बढ़िया मुन्ना, वैसे भी जेल में कोई नहीं रहता, हम तो कभी भी इस जेल का तो दरवाजा तोड़कर ऋषि को बाहर निकाल सकते हैं। तो भैया ये रहा 404707, तो पहले कैमरा निकालते हैं, फोन निकाल कर कैमरा खींचते हैं। देखिए अभी ये फ्रंट कैमरा था, इसे हमने फोटो खींच ली, हो गया। बस अब इसे ले जाकर ऋषि को दिखाना होगा, तो वो भैया हम अगले पार्ट में करेंगे। तो ये था भैया वीडियो, वो भी आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.2 गेम पोर्टल 3.2 तीनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।